जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी जो कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे हैं जो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अभी तक अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ लाइन कोडिंग स्कीम्स हैं, उसके बाद फिर ब्लॉक कोडिंग है और उसके बाद फिर स्क्रैम्बलिंग पढ़ेंगे हम। लाइन कोडिंग के अंदर अभी तक हम यूनिपोलर पढ़ चुके हैं, यूनिपोलर स्कीम्स, पोलर स्कीम्स, बाईपोलर स्कीम्स। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मल्टी लेवल स्कीम्स, सॉरी मल्टी लेवल स्कीम्स। अब आप लोगों को याद है कि अभी तक हम जितनी भी यूनिपोलर थी, पोलर फिर बाईपोलर स्कीम्स थी, उन सब के अंदर एक सिग्नल एलिमेंट में हम लोग सिर्फ सिंगल डेटा एलिमेंट ट्रांसमिट करते थे। कि आपका अगर एक सिग्नल एलिमेंट है तो वो सिर्फ एक ही डेटा एलिमेंट या फिर एक ही बिट को कैरी करता था। लेकिन मल्टी लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल स्कीम के अंदर हम जो आपकी जो कह लेंगे मल्टीपल आपके डेटा एलिमेंट्स हैं वो एक सिग्नल एलिमेंट कैरी कर सकता है, एक या फिर ज्यादा कह लें कि आप के अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट्स को एट द सेम टाइम अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को कैरी कर सकते हैं। इन मल्टी लेवल स्कीम्स वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डेटा बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट टू इंक्रीज द बिट रेट। अब जहां जब आप एक जो सिग्नल एलिमेंट है वो एक की बजाय आप दो डेटा एलिमेंट्स को या बिट्स को कैरी करेगा तो इसका मतलब है कि जो डेटा रेट है, जो डेटा सेंड करने की जो स्पीड है, जो रेट है, या फिर जो बैंडविड्थ है वो डबल हो जाएगी। पहले आपका एक सिग्नल एलिमेंट एक बिट को कैरी कर रहा था, अब अगर आपका एक सिग्नल एलिमेंट एक की बजाय दो बिट्स को कैरी करेगा तो इसका मतलब है आपका जो डेटा सेंड करने का रेट डबल हो जाएगा, तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो डबल हो जाएगी। अब आवर गोल इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स कैरीड बाई ईच सिग्नल एलिमेंट ओनली। अब हमारे पास बाइनरी नंबर्स के अंदर हमारे पास दो पॉसिबल नंबर्स हैं, या वन है या फिर जीरो है। अ ग्रुप ऑफ एम डेटा एलिमेंट्स कैन प्रोड्यूस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2^m डेटा पैटर्न्स। अब हमारे पास जो डेटा एलिमेंट्स हैं, लेट्स से वो अगर एम है, तो अगर एम डेटा एलिमेंट्स हों तो हमारे पास मैक्सिमम 2^m डिफरेंट डेटा पैटर्न्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब अगर लेट्स से हमारे पास जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ टू है, वन एंड जीरो, लेट्स से इन बाइनरी फॉर्म हम बात करते हैं, तो हमारे पास 2^2 मीन्स 4 मैक्सिमम डेटा पैटर्न्स हो सकते हैं। अब उसके बाद अब पैटर्न ऑफ एम डेटा एलिमेंट्स जो आपके डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स हैं इज एनकोडेड इनटू अ पैटर्न ऑफ एन सिग्नल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी हो सकता है कि आपका वो जो डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स हैं उनका जो एक पैटर्न है वो एक ही सिग्नल एलिमेंट पे लेट से उनको एक ही सिग्नल एलिमेंट कैरी कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो जो आपका पैटर्न है एम डेटा एलिमेंट्स का उनको कैरी करने के लिए डिफरेंट आपके एलिमेंट्स यूज हो रहे हो। अब इस तरह अगर हमारे पास एल डिफरेंट लेवल्स हो और हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एन हो तो वी कैन हैव अ मैक्सिमम एल रेज टू पावर एन कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट सिग्नल पैटर्न्स। अब हमारे पास 2^m डेटा पैटर्न्स हैं और एल रेज टू पावर एन हमारे पास सिग्नल पैटर्न्स हैं। अब ये हमारे पास दो चीजें आ गई, डेटा पैटर्न्स, एल पावर एन सिग्नल पैटर्न्स। अब देखिए जरा, अब अगर अब इन डेटा पैटर्न्स को ये जितनी बनते हैं कैरी करने के लिए हमारे पास कम से कम इसके इक्वल हमारे पास सिग्नल पैटर्न्स होने चाहिए। अगर जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा हों और सिग्नल एलिमेंट्स या लेट से डेटा पैटर्न्स ज्यादा हों और नंबर ऑफ सिग्नल पैटर्न्स कम हों तो इसका मतलब है हमारे पास इनफ सिग्नल्स नहीं होंगे जो कि सारे सारे डेटा पैटर्न्स को कैरी कर सके। तो इन दिस केस क्या होगा, हम जो एनकोडिंग है वो नहीं कर पाएंगे, सारे सारे डिजिटल डेटा को हम लोग डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लेट से हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्नल पैटर्न्स हैं वो और सॉरी नंबर ऑफ डेटा पैटर्न्स और नंबर ऑफ सिग्नल पैटर्न्स अगर ये दोनों इक्वल हों तो इसका मतलब है हर एक डेटा पैटर्न को कैरी करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल पैटर्न है। इसका मतलब हमारे पास 1:1 मैपिंग है,
बिटवीन डेटा पैटर्न्स एंड सिग्नल पैटर्न्स। लेकिन अगर हमारे पास इन जैसे लेट्स जो थर्ड केस है, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा पैटर्न्स हैं वो कम हूँ और नंबर ऑफ सिग्नल पैटर्न्स ज़्यादा हूँ। आप इसका मतलब चेक करें कि लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ डेटा पैटर्न्स है वो 10 है और नंबर ऑफ सिग्नल पैटर्न हमारे पास 20 हैं, तो इसका मतलब है उन 10 डेटा पैटर्न को कैरी करने के लिए हमारे पास 10 सिग्नल पैटर्न जाते हैं और उसके अलावा हमारे पास 10 एक्स्ट्रा सिग्नल पैटर्न भी हैं। तो इन दिस थर्ड केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो सिग्नल पैटर्न है वो इन एक्सेस होंगे, वो ज्यादा होंगे हमारे पास। अब इसका मतलब है कि इन दिस केस लास्ट केस हम जो डिफरेंट डेटा पैटर्न है वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ लाइट से एरर डिटेक्शन कोड्स हम उसके अंदर कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी मल्टी लेवल स्कीम्स के अंदर जो हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, अब हम करते हैं MBNL हर एक जो मल्टी लेवल स्कीम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसके अंदर जो M है इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री पैटर्न, कि बाउंड्री पैटर्न की लेंथ क्या है जिसको हम एक सिग्नल पे ट्रांसमिट करने जिसको एक सिग्नल कैरी करेगा। बी क्या मतलब है बाउंड्री। अब एन का मतलब एन इज द लेंथ ऑफ सिग्नल पैटर्न्स और एल जो है वो है उस सिग्नल के अंदर हमारे पास कितने डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर एक जो सिग्नल है वो उसके अंदर 3 लेवल है तो हो सकता है एक उसमें पॉजिटिव वोल्टेज हो, एक 0 वोल्ट और एक नेगेटिव वोल्ट हो। और लेट्स से अगर उसमें 4 लेवल्स हैं तो हो सकता है एक फॉर एग्जांपल +10 वोल्ट हो, एक 5 +5 वोल्ट हो, एक -5 वोल्ट हो, एक -10 वोल्ट हो, इस तरह डिफरेंट 4 लेवल्स हो सकते हैं। अब वो जो ये जो एल लेटर है इसके अंदर एम बी एन एल के अंदर, अभी जो एल असल में जो सिग्नल स्कीम का नाम है उसके अंदर कभी भी एल नहीं आएगा, उसके अंदर या हमारे पास बी आएगा या टी आएगा या हमारे पास क्यू आएगा। अब अगर तो हमारे पास जो डिफरेंट सिग्नल लेवल्स हैं वो 2 हों तो फिर एल की बजाय हमारे पास बी आएगा, बी फॉर बाइनरी। अगर वो सिग्नल लेवल्स हमारे पास 3 हों तो फिर एल की बजाय टी आएगा, टी फॉर टर्नरी, टर्नरी का मतलब है 3। और अगर हमारे पास जो डिफरेंट सिग्नल लेवल्स हैं उस स्कीम के अंदर 4 हों तो वहां पे फिर आएगा क्यू आएगा, एल एल की बजाय क्यू मीन्स क्वार्टरनरी। अब जो पहले 2 लेटर्स हैं एम और बी, जो फर्स्ट 2 लेटर्स दे डिफाइन द डेटा पैटर्न, द सेकंड 2 लेटर्स डिफाइन द सिग्नल पैटर्न। अभी हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर आपको कुछ काफी ये मल्टी लेवल स्कीम्स हैं ये क्लियर होंगी। अब इन एम एम बी एन एल स्कीम्स अ पैटर्न ऑफ एम डेटा एलिमेंट्स इज एनकोडेड एज अ पैटर्न ऑफ एन सिग्नल एलिमेंट्स। और इसके अंदर ये लाजमी है कि जो नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स हैं वो या ज्यादा हों या फिर वो नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स के बराबर हों। अगर नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स जो हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स से ज्यादा होंगे तो फिर इसका मतलब हमारे पास इनफ नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स नहीं है कि आप उन सारे डेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके। इन दिस केस हम जो इनकोडिंग है वो नहीं कर पाएंगे। तो एम बी एन एल स्कीम्स के अंदर ये लाजमी है, मैंडेटरी है कि हमारे पास 2 पावर जो एम है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एल पावर एन। यहाँ पे एक स्कीम है मल्टी लेवल स्कीम है जिसका नाम है 2B1Q। अब B का मतलब बाइनरी, अब यहाँ पे Q चेक करिए, यहाँ पे था L M B N L अगर आपको याद हो तो। अब M का मतलब M यहाँ पे 2 है, B means बाइनरी, N means 1, L means L is Q, Q मतलब क्वार्टरनरी। इसका मतलब है इस स्कीम के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं वो 4 है। अब ये +3 एक लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल, ये मतलब 4 डिफरेंट लेवल्स हैं। अब 2 का मतलब है ये हम 2 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं हर सिग्नल के अंदर, दिस इज 2। 2 बाइनरी 1 क्वार्टरनरी यूजेस डेटा पैटर्न्स ऑफ साइज 2।
encodes two bit patterns as one signal element belonging to four different levels, four level signals. अब फोर का फोर आया है हमारे पास क्वार्टरनरी से, क्योंकि हमारे पास अब टू बिट पैटर्न, टू बिट बाइनरी पैटर्न, अब ये जो टू है ये टू बिट बाइनरी पैटर्न एज वन सिग्नल एलिमेंट, वन इज दिस वन बिलोंगिंग टू फोर लेवल सिग्नल मीन्स क्वार्टरनरी हमारे पास लेवल है वो है. अब इसका मतलब है कि लेट मी सीरीज इट. अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि ये 2B1Q जो नेमिंग कन्वेंशन है कैसा समझनी है आपने. अब टू बिट पैटर्न है हमारे पास, ये टू हमें बता रहा है ये, ठीक है, और ये बाइनरी पैटर्न है. अब ये असल में एनकोड होगा एक ही सिग्नल एलिमेंट के अंदर, जो कि यहाँ पे एक वन बताया हुआ है. अब वो जो एक सिग्नल एलिमेंट है ना, दैट बिलोंग्स टू वन ऑफ फोर डिफरेंट सिग्नल लेवल्स. अब जो फोर है वो क्वार्टरनरी भी आएगा. अब यहाँ हम चेक करें, हमारे पास प्लस थ्री है, प्लस वन है, माइनस वन है और माइनस थ्री है, ये हमारे पास चार डिफरेंट सिग्नल लेवल्स हैं. अब जो दो बिट्स का पैटर्न है, जो दो बिट्स का पैटर्न है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ एक ही सिग्नल एलिमेंट यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऐसे वन वन है तो इसको हम यूज करेंगे प्लस वन, अगर जीरो जीरो है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे माइनस थ्री. ये ऊपर की दी हुई है ऊपर ना ये यहाँ पे. अब अगर यहाँ पे टू होता, टू बी टू क्यू होता, तो फिर क्या होना था, फिर जो ये रूल है थोड़ा सा चेंज हो जाता. फिर उसमें ये होता कि एक सिग्नल को दो डेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैरी करने के लिए हम दो सिग्नल एलिमेंट्स यूज करते. फिर शायद अगर से इस तरह हो सकता था कि पहले आप ये प्लस थ्री यूज करें और फिर आप लेट्स से माइनस वन यूज करें, इस तरह करके, ठीक है. तो इस तरह फिर फॉर एग्जाम्पल हम दो सिग्नल एलिमेंट्स यूज कर हमने करने थे, दो इन पैटर्न दो बिट्स को हमने कैरी करने के लिए. सो इन दिस केस एम इज टू, n is 1, l is different 4, 4 levels. We can have 2 power 2 different data patterns, I mean 4, and 4 power 1 equals 4 different signal patterns. ये फिर वही डायग्राम है जो भी पिछले हमने देखी. तो आई थिंक ये अब इसको मजीद एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है. अब लेट्स प्रोसीड. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम है वो है 8B60. अब इसके अंदर 8 बाइनरी है और 6T फॉर टर्नरी. अब इसका मतलब है हमारे पास जो डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्नल है वो है तीन टर्नरी. अब वो जो आठ बिट्स हैं उनको कैरी करने के लिए वो जो तीन लेवल्स, जो हमारे पास तीन सिग्नल लेवल्स हैं, उनमें से छह सिग्नल एलिमेंट्स हम यूज करेंगे उन आठ बिट्स को इस्तेमाल करने के लिए. अभी देखें, अब अ पैटर्न ऑफ 8 bits, a pattern of 8 bits is encoded as a pattern of 6 signal elements where each signal has 3 different levels, when one of 3 different levels. अब यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास the number of bits है वो 8 है, लेकिन number of signal elements 6 है, लेकिन वो जो number of signal elements 6 हैं, 6 signal elements हैं, वो उनमें से जो डिफरेंट लेट्स से जो लेवल्स हैं वो तीन है, थ्री डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि हमारे पास टर्नरी सिग्नल है. तो इसका मतलब हमारे पास जो डिफरेंट डेटा पैटर्न्स हो सकते हैं वो 2 power 8 मीन्स 256 हो सकते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंट सिग्नल पैटर्न्स हो सकते हैं वो 3 power 6 मतलब 729 हो सकते हैं. तो अब देखें जरा कि नंबर ऑफ डेटा पैटर्न्स इज लेस देन नंबर ऑफ सिग्नल पैटर्न्स, तो इसका मतलब है हम इजीली सारे डेटा पैटर्न्स को सिग्नल पैटर्न्स के थ्रू हम कैरी करा सकते हैं, भेज सकते हैं. तो ओनली 256 आउट ऑफ 729 सिग्नल पैटर्न्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा पैटर्न्स एंड रेस्ट 472. अगर लेट्स से हम 729 में से 256 माइनस करें तो देन वी गेट 472. तो बाकी अब 739 में से जो 256 सिग्नल पैटर्न्स हैं वो इन 256 डेटा पैटर्न्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होंगे.
तो जो बाकी जो 7472 बच जाएंगे ना, उनमें से हम उन जो उन सिग्नल पैटर्न्स को हम यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन और एरर डिटेक्शन। अब सिंक्रोनाइजेशन और एरर डिटेक्शन आपको याद होगा जब हमने जो लाइन कोडिंग स्कीम्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इन द वेरी स्टार्टअप लेक्चर्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था डीसी कंपोनेंट्स हैं, सिंक्रोनाइजेशन है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन और फिर एरर डिटेक्शन थी। अब ये यहाँ पे एग्जांपल दिया इसकी 8 v 6 t की। अब चेक करें यहाँ पे t मीन्स 3 हमारे पास लेवल का सिग्नल के, प्लस v ये 4 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, नेगेटिव वोल्ट है। अब 8 का मतलब है 8 बिट्स है हमारे पास, ये देखिए 0001 0001 हमारे पास 8 बिट्स हैं। अब 6 का मतलब ये है कि इन 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 6 सिग्नल एलिमेंट्स हम यूज करेंगे। आप एक ये एक सिग्नल एलिमेंट, ये 2 3 4 5 6, इस तरह ये जो हमारे पास 8 बिट्स हैं इनको 1 2 3 4 5 और 6। अब इस तरह हर 8 बिट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 6 डिफरेंट जो सिग्नल एलिमेंट्स हैं वो यूज करेंगे। ऑल दो वो जो 6 एलिमेंट्स हैं वो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट होंगे। ये जो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये फिर जीरो है, फिर नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, ये डिफरेंट होंगे हर एक कॉम्बिनेशन के। तो यहाँ पे जाकर 8v6d के अंदर हमारे पास 8 बिट्स हैं बाइनरी में, 6 हमारे पास सिग्नल एलिमेंट्स हैं जो हम यूज करेंगे उन 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करने सेंड करने के लिए, और टी मीन्स हमारे पास टर्नरी, हमारे पास 3 डिफरेंट सिग्नल लेवल्स हैं 1 2 एंड 3। अभी तक हम लोगों ने जो भी एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ी हैं उसमें ये होता है कि जो जब डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, एनकोड करते हैं, तो जो डिजिटल सिग्नल है वो एक ही वायर के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा होगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो ये मल्टी लेवल स्कीम है 4D PAM5 है, 4D मीन्स 4 डायमेंशनल 5 लेवल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको बोलते हैं 4D PAM5 स्कीम। इसके अंदर ये नॉट सिंगल डायमेंशनल, जो पहले वाली स्कीम उनका हम कह सकते हैं दे आर सिंगल डायमेंशनल, क्योंकि वो एक ही केबल के ऊपर जो सिग्नल लेवल ट्रेवल कर रहा होता था। लेकिन अभी इन दिस स्कीम 4D PAM5 के अंदर जो डेटा है दैट इज सेंड ऑन 4 डिफरेंट वायर्स एट द सेम टाइम। 4D मीन्स डेटा इज सेंड ओवर 4 वायर्स एट द सेम टाइम यूजिंग 5 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। अब वोल्टेज लेवल कौन से है, -2 वोल्ट है, -1 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, +1 वोल्ट है, +2 वोल्ट है, लेकिन जो 0 वोल्ट है दैट इज यूज ओनली फॉर एरर डिटेक्शन। अब उसके बाद जो जो हमारे पास चूंकि 4 डिफरेंट सिग्नल लेवल बच गए 0 के अलावा, -2 -1 1 और 2, तो इसका मतलब है जब हमारे पास 4 डिफरेंट सिग्नल लेवल्स हैं तो वी कैन सेंड सेंड मैक्सिमम ऑफ 2 डेटा बिट्स ऑन ईच सिग्नल एलिमेंट। सो 4 सिग्नल लेवल मीन्स दैट एवरी सिग्नल एलिमेंट कैन कैरी 2 बिट्स। उसके अंदर जो 0 0 बिट्स हैं उनको कैरी करेगा -2 वोल्ट्स, जो 0 1 बिट्स हैं जो उनको कैरी करेगा +1 वोल्ट, जो 1 0 बिट्स हैं उनको -1 वोल्ट, और जो 1 1 बिट्स हैं उनको कैरी करेगा +2 वोल्ट्स। अब जब हमारे पास 4 डिफरेंट वायर्स हैं तो ईच वायर कैन कैरी 4 डिफरेंट सिग्नल लेवल्स, तो इसके मतलब है हमारे पास 4 पावर 4 डिफरेंट सिग्नल पैटर्न्स जनरेट हो सकते हैं इन दिस 4D PAM5 स्कीम। कि हमारे पास 4 डिफरेंट वायर्स हैं और हर जो वायर है वो 4 डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट्स सिग्नल लेवल्स -2 -1 +1 +2 वोल्ट्स कैरी कर रही है। इसका मतलब 4 पावर 4 256 डिफरेंट सिग्नल पैटर्न्स हमारे पास आते हैं 4D PAM5 के अंदर। अब इसकी जो डायग्राम है वो हम देखते हैं, फिर हमें इसके कुछ समझ आएगी। बैठ से चेक करें ये जो ब्लू में जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास, ये जो लाइन आ रही है हमारे पास ब्लू में, ये रिप्रेजेंटेशन है उस सिग्नल की 000 1 और 0 की इन लेट्स से जो हमारे पास सिंगल डायमेंशनल है।
कि जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कि आप उसको पहले लेट से ये माइनस टू होगा, फिर प्लस वन पे जाएगा, फिर प्लस टू पे जाएगा, फिर माइनस वन पे जाएगा, इस तरह करके। अब ये है सिंगल डायमेंशनल। अब अगर आप इसको फोर डायमेंशनल करेंगे तो क्या मीन्स फोर वायर्स पे, चार डिफरेंट वायर्स पे करेंगे तो फिर क्या करेंगे, जो इतना इतना जो ये हमारे पास सिग्नल है ये हम भेज देंगे इस वायर के ऊपर, वायर वन के ऊपर। फिर जो ये वाला सिग्नल एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, ये हम भेज देंगे वायर टू के ऊपर। और जो हमारे पास ये वाला सिग्नल एलिमेंट है, थर्ड सिग्नल एलिमेंट, ये हम भेज देंगे वायर थ्री के ऊपर। और ऐसे ही जो ये वाला हमारे पास लास्ट फोर्थ सिग्नल एलिमेंट है, ये हम भेज देंगे वायर फोर के ऊपर, फोर्थ वायर के ऊपर। अब यहाँ पे चेक करें, पहले वो वाला सिग्नल है जो कह ले के सिक्वेंशली जाना था, इन पैरेलल नहीं जाना था, अब उसकी बजाय जब हम उस सिग्नल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके इन पैरेलल डिफरेंट वायर्स पे भेजते हैं, तो इसका मतलब है कि जो डेटा रेट है वो फोर टाइम्स बढ़ जाएगा उस डेटा रेट की नस्बत, जब आप उस सिग्नल को सिंगल डायमेंशनल पे या फिर लेट से सिंगल वायर पे भेजते हैं। तो अब जब हम उस सिग्नल को फोर डायमेंशनल पे सेंड कर रहे हैं, चार डिफरेंट वायर्स भी इन पैरेलल सेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अब ये जो डेटा है ये जल्दी पहुंचेगा। अब यहाँ पे जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू जब हम उसको एक सिंगल वायर पे भेज रहे होते हैं।